झारखंड में बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में लव जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इन्हीं मामलों को देखते हुए दाखिल की गई एक जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से पूछा है कि संथाल परगना के सीमावर्ती जिलों में हो रही घुसपैठ की जानकारी सरकार को है या नहीं, अगर है तो इसे रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। मामले की अगली सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 21 जुलाई की तारीख दी है। कोर्ट ने ये कार्रवाई जमशेदपुर के रहने वाले युवक दानिश की याचिका पर की। मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार ने बताया कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश बॉर्डर से लगते साहिबगंज जिला और आसपास के क्षेत्रों में तेजी से मदरसे खुले हैं। अकेले साहिबगंज जिले के बॉर्डर क्षेत्रों में ही 43 ऐसे मदरसे हैं जिन्हें हाल के दिनों में अवैध तरीके से शुरू किया गया। इन मदरसों के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है और ये घुसपैठिए यहाँ गैर कानूनी कामों को अंजाम दे रहे हैं। उसमें हम लोगों का जो प्रेयर था वो ये है कि जो झारखंड का बॉर्डर है बांग्लादेश से, उसमें 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो है, 6 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। उसमें सबसे ज़्यादा साहिबगंज है, उसमें है पाकुड़, गोड्डा, तुमका और इसी तरह के जो डिस्ट्रिक्ट माननीय न्यायालय ने के समक्ष हम लोगों ने रखा था कि वहाँ पे बांग्लादेशी आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वहाँ लड़कियों से शादी करते हैं, उनकी ज़मीन हड़पते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ता है यदि वो लोग विरोध करती हैं तो मार देते हैं। एक और वो लोग काम कर रहे हैं कि जो ट्राइबल्स का रिजर्व सीट्स है उस पर उनसे शादी करके उनसे कंटेस्ट करवाते हैं इलेक्शंस, और वो एक तरह से जितना ट्राइबल सीट्स है उसको डिफैक्टो जो है वो मुस्लिम ही कंट्रोल करते हैं। तो जो गवर्नमेंट से फंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फंड आता है डेवलपमेंट का, ये सब उनके थ्रू उसको एंटी नेशनल इसके लिए यूज़ होता है। और हमने एक उदाहरण दिया है कि पिछले विगत कुछ सालों के अंदर 43 मदरसे बॉर्डर एरिया पर डेवलप किए, वो क्रॉप अप माने बना है, और उसमें वो लॉन्चिंग पैड है बांग्लादेशियों के लिए। वहीं से काउ ट्रेड, वहीं से लड़की लोगों का आना जाना, ट्राइबल्स को बेचना, उधर से लड़कियां भी आती है, ये सब वहां पे हो रहा है और वहां के जो माफिया है वही सब ऑपरेट करवा रहे हैं। उसी में माननीय न्यायालय ने आज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिस किया है और स्टेट गवर्नमेंट को एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है कि ये सारे मुद्दों को देखिए। और एक रिबेका पहाड़ीन का डेथ हुआ था, उसको 50 टुकड़े में काटा था, वो भी हम लोगों का प्रेयर है, उस पर क्या स्थिति है उस पर माननीय न्यायालय ने मांगा। तो सर इसकी अगली सुनवाई कब है? अगली सुनवाई 21 तारीख को है, 21 जून। आरोप है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए एक साजिश के तहत आदिवासी महिलाओं से शादी करके उन्हें चुनाव लड़वा रहे हैं और फिर उनके जरिए आर्थिक और राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल साहिबगंज ही नहीं, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, राजमहल सहित दूसरे सीमावर्ती इलाकों में भी इस तरह की गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। इन इलाकों में हजारों की तादाद में अवैध रूप से आए बांग्लादेशी नागरिकों ने आदिवासी लड़कियों और महिलाओं को प्रेम जाल में फंसा कर पहले शादी की, फिर इन सभी आदिवासी महिलाओं का धर्मांतरण भी कराया गया। यही नहीं, इन आदिवासी महिलाओं को आरक्षित सीटों पर पंचायत सहित और चुनाव में उतार कर ये लोग राजनीतिक लाभ भी लेते रहे। बीजेपी ने तो इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सदन में भी उठाया, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि मुद्दे उठने पर जांच की बात कहते हुए मामले को दबा दिया गया। हालात को देखते हुए इस मुद्दे को लोकसभा के बजट सत्र में गोड्डा सीट से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी उठाया। उन्होंने सीधे तौर पर अवैध घुसपैठ का आरोप लगाया था, कहा था कि आदिवासी महिलाओं को प्रेम जाल में फंसा कर लव जिहाद के तहत उनके जरिए जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने झारखंड की सरकार पर इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया था। इधर कहा जा रहा है कि लड़कियों से शादी करके संथाल के आरक्षित सीटों पर उनसे चुनाव लड़वाकर और उन्हें चुनाव जितवाकर सरकारी मद में आने वाले पैसे का इस्तेमाल देश विरोधी कामों के लिए किया जा रहा है। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा है।